हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई सिंपल येट सेसी रेसिपी के साथ। हमारी आज की रेसिपी है बंस और पाव। पाव और बन एक ही मेथड से बनते हैं, बस पाव थोड़ा सॉफ्ट होता है ज़्यादा और बन जो है वो थोड़ा सा टाइट होते हैं। बन और पाव ऐसी चीज़ें हैं जो घर में रहें तो ये ऐसे भी खाई जा सकती हैं और इनके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ भी ट्राई की जा सकती हैं। चलिए बनाते हैं पाव और बन। हमारी आज की रेसिपी से हम लोग 8 से 9 बन या पाव बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में हल्का गर्म दूध लेंगे, 1.5 कप के करीब। दूध याद रखिए हल्का गर्म लेना है क्योंकि हमने ईस्ट को ब्लूम करना है और तेज़ गर्म दूध में ईस्ट ब्लूम नहीं होगा। इसमें मैं लूँगी 2 टेबलस्पून शुगर और इसमें मैंने 7 ग्राम के करीब ईस्ट लिया है, ये एक्टिव ड्राई ईस्ट है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, शुगर के डिज़ोल्व होने तक हमें इसे मिक्स करना है। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है, अच्छे से शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसको ढककर किसी गर्म जगह पे 5 से 7 मिनट तक के लिए रख दूँगी। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ईस्ट ब्लूम हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 कप 450 ग्राम के करीब मैदा। मैदा ध्यान रखिए धीरे धीरे ऐड करेंगे हम और इसको हल्के हल्के मिक्स करेंगे। यहाँ मैं विस्कर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं क्योंकि इसको मैं आगे हाथ से ही नीड करने वाली हूँ। ये देखिए ये सारा मैदा मैं इसमें अब डाल रही हूँ और इसमें अब मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब हम डो को अच्छे से नीड करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए डो रेडी है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर। आप घर का बटर भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अमूल का बटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने इसमें अभी नमक ऐड किया है, तो अगर आप अमूल बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें नमक का यूज़ मत कीजिए। ये डो शुरू में थोड़ा चिपचिपा लगेगा लेकिन धीरे धीरे नीडिंग के बाद ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और जो बटर है वो सारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देखिए डो अच्छे से तैयार है। अब मैं इसको सेट होने के लिए 1 घंटा 45 मिनट ढककर फिर से किसी गर्म जगह पे रख दूंगी ताकि ये राइज हो जाए। 1 घंटा 45 मिनट हो चुके हैं और डो देखिए कितना अच्छे से राइज हो चुका है, ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है साइज में। अब हम इसको पंच करेंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा एयर जो है वो निकल जाए और इसको पंच करके इकट्ठा करके अब हम प्लेटफॉर्म पे लाके इसको अच्छे से नीड करेंगे 10 मिनट के लिए। याद रखिए ग्लूटेन फॉर्म होने के लिए नीडिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी तरह के ब्रेड में आपको नीडिंग जो है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि इसी से जो इसमें सॉफ्टनेस आती है, ग्लूटेन फॉर्म होता है, वो नीडिंग से ही होता है। दस मिनट की नीडिंग हो चुकी है, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको इकट्ठा करके इसका एक बड़ा पेड़ा बनाएंगे और इसको हम इक्वल पार्ट्स में नाइफ की हेल्प से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम नाइफ को हल्का सा ऑयलिंग कर लेंगे नाइफ की और इसको हम इक्वल 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, अब हम इसका एक एक पार्ट लेंगे और उसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और इसको हम एक बेकिंग डिश में सेट कर लेंगे। मैंने यहाँ हल्की सी ऑयलिंग की है बेकिंग डिश की।
आप चाहें तो सिलिकॉन और मेटल की बेकिंग डिश भी ले सकते हैं। मैं यहाँ ग्लास की बेकिंग डिश यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें सेट कर दिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा गैप रखा है। अब मैं इसको एक मिल्क वॉश दूंगी जिससे कि ये ऊपर से एकदम ड्राई नहीं होंगे, थोड़ा शाइनी लुक आ जाएगी। मिल्क वॉश के बाद मैं इसको अब एक गीले कपड़े से ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। ये एक बार फिर से राइज हो जाएगा। 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है 230 डिग्री पे 7 मिनट्स के लिए। आप अपना ओवन जिस भी टेम्परेचर पे प्री हीट होता है उस टेम्परेचर पे प्री हीट कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से एक बार फिर हल्का सा फिर से मिल्क वॉश दे रही हूँ और इसको अब मैं डालूंगी ओवन में बेक होने के लिए। इस सेम मेथड से मैंने तैयार किए हैं बंद। बंद में जो यीस्ट की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम रखी है, 7 ग्राम की जगह आप 5 या 6 ग्राम का यूज़ कर सकते हैं। और इनको बेक करने का तरीका भी सेम पाव जैसा ही है। अब मैं तैयार पाव को प्रीहीटेड ओवन में रख रही हूँ। एक सौ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको मैं 25 मिनट तक बेक करूँगी। कई बार इनकी ब्राउनिंग नहीं होती है तो आप उसके लिए इसी टेम्परेचर पे 2 मिनट के लिए हाई रैक पे इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ब्राउनिंग कर सकते हैं। पच्चीस मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने पाव को चेक करेंगे। ये देखिए ये तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको माइक्रो से निकाल लेंगे। इनको ओवन से निकालने के बाद अब मैं इन पे हल्का सा बटर अप्लाई करूँगी और इसको फिर से एक मॉइस्ट कपड़े से ढक कर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए सेम मेथड से हमने बंस को भी रेडी कर लिया है। इन पे भी मैं बटर अप्लाई करके इनको भी ठंडा होने के लिए रखूँगी। 1 घंटा हो चुका है और हमारे पाव जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इनको नाइफ़ की हेल्प से किनारों से अलग कर लूँगी और इसको बेकिंग डिश में से निकाल लूँगी। देखिए कितना सॉफ्ट और कितने साफ पाव बनकर तैयार हो गए हैं। ये एकदम सॉफ्ट है, मैं आपको इनको अलग करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। और सेम मेथड से हमने जो दूसरे पाव तैयार किए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट निकल के आया है और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये फ्रेशली बेक्ड हैं। यहाँ देखिए ये हमने जो बंस बनाए हैं ये भी बहुत ही अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं। ये सब मैंने बेकिंग डिश से रिमूव करके ठंडे होने के लिए लगा दिए हैं और ये देखिए कितने सुंदर बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इन्हें ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी न्यू अपडेट्स के लिए, नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए।